अर्ध सैनिक बलों नूं हाईकोर्ट दे वल्लों वड्डी राहत दित्ती गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सीएपीएफ दे लई ओपीएस लागू करन दे हुकम दित्ते ने। पंजाब दे विच ओपीएस लागू होण दा ऐलान होया है। राजस्थान छत्तीसगढ़ ते झारखंड दे विच वी इह लागू हो चुकी है। अर्ध सैनिक बल दे सारे कर्मचारियों ते लागू होवे ओपीएस हाईकोर्ट ने हुक्म जारी कीते ने। वड्डी खबर है, अर्ध सैनिक बलों नूं हाईकोर्ट दे वल्लों वड्डी राहत दित्ती गई है। मनोज जोशी साडे सहयोगी फोन लाइन ते जुड़ चुके ने। मनोज, मामले संबंधी की कुछ कहना है? जी, जो कोर्ट हैगी जिहड़े हैगे ने सैनिक है उन्होंने पक्ष गई है। जितना भी कोई भी कर्मचारी है सरकारी उन्होंने पक्ष में ही फैसला करते हैं कि सारी जिंदगी नौकरी करते हैं। तो इतने भी उही गल हो कि जो 2004 के इन्होंने पेंशन बंद करती सी और नवी पेंशन शुरू की सी, उस पैसे देने पैंते हैं इन्होंने कर्मचारियों को। उन्होंने कहता कि जो पुरानी पेंशन हैगी है वही चलेगी, ओल्ड पेंशन स्कीम जी वही लागू होगी। तो कोर्ट ने जोड़े थे सारे ही फैसले जोड़े है वित्त मंत्रालय के लैटर ने वो सारे खर्च करते हैं। तो कहता कि इन्होंने जी है ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत ही पेंशन दी जाए। नवी जी पेंशन स्कीम थी वो यह कि जिला कोई भी कर्मचारी से रिटायरमेंट 2004 तो बाद जो भर्ती हुआ सो 60% जी पेंशन सी उन्होंने एक मुश्त मिल जाती है, तो 40% उन्होंने हर महीने मतलब कि उन्होंने पेंशन मिलती थी और 10% हर जो नौकरी करता था हर महीने वो कटौती होंगी सी उसों ही पेंशन दी जाती है। पर जो ओल्ड पेंशन स्कीम सी 2004 तो पहला उस इदा का कुछ नहीं, वो सारी मतलब की जो पेंशन होंगी सी मिलती सी और जोड़े जी जो भी उसकी सैलरी होंगी तकरीबन जी 50% राशि हैगी है वो पेंशन दी जाती, कोई पहला पैसा कोई नहीं कटा जाता सगा। पर हूँ जो कटा जाता इसको लेके ही मतलब कि जोड़े सारे कर्मचारी इन्होंने चाहे पंजाब के चाहे होर राज्य के सगिया वो ये पिछले लगिया सगिया। छत्तीसगढ़ के राजस्थान के लागू हो चुकी है और जोड़ा झारखंड स्टेट हैगी उ भी कांग्रेस की जी गवर्नमेंट है ना गठबंधन च है तो उत्थे भी तैयारी कर रहे हैं, जबकि पंजाब के ऐलान कर चुके हैं कि अभी करा इतने लग रही हो। हिमाचल भी हो सकता है कि जी एक दो दिन जी मीटिंग होएगी उन्होंने कैबिनेट की उसके ही पर फैसला लिया, जो कि उत्थे दे सीएम से उन्होंने स्पष्ट करते कि अभी जी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कराएंगे। जी जी मनोज, काफी समय तो मांग की जा रही थी कि ओपीएस लागू की जाए। हुण हिमाचल दे विच कांग्रेस की सरकार बनी है, उत्थे भी कहा जा रहा है कि सब तो पहला यही मांग जो है ओपीएस उसनु बहाल किया जाएगा। सो पंजाब दे विच भी लगातार मांग की जा रही थी ओपीएस की, तो की लगता है इस फैसले दे नाल होर जड़े कर्मचारी ने मुलाजम ने वो खुश होणगे? जी, जो कर्मचारियों की जिहड़ी हैगी है जो भी मांग ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाए वो काफी लंबे समय चल रही थी। वो बार बार कह रहे हैं कि इन हर स्टेट के यह मुद्दा बनया हुआ सगा, क्योंकि केंद्र सरकार जो सी जो केंद्र सरकार 2004 के लागू बंद किया गया उस टाइम जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ही सके उन्होंने बंद की थी। पर यह लागू जी ओल्ड पेंशन स्कीम बंद करने का जो फैसला सगा वो जोड़ा अपने जो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार उस दिता गया सगा। उस तो बाद अटल बिहारी वाजपेयी सरकार जी सी इलेक्शन हार गई सी और कांग्रेस की सरकार बनी सी उस मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने से उन्होंने आके इस पूरी तरह लागू करता सगा। पर हूँ तकरीबन इन्ने साल हो चुके हैं, तुम्हें हिसाब लगा 2004 तो लेके 2023 आ गया है जी जी। इन्हों के कारण ही जो कर्मचारी है बार बार कहते हैं कि सानू जी पेंशन हैगी है वो ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए नवी नहीं चाहिए हैगी, इससे लोग बहुत ज्यादा प्रदर्शन भी हुए हैं इसलिए सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने जा रही है। जी जी ठीक है मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया वधेरे जानकारी देने लई। तां बिल्कुल मुलाजमां दी लंबे समय तो मंग सी ओपीएस लागू करन दी, हालांकि इन्ने ज्यादा संघर्ष तो बाद इस तो मुड़ तो लागू करन दी गल आखी गई है। मुलाजम जरूर खुश होणगे, लेकिन इन्ने समय दा जिहड़ा संघर्ष है उस नूं लेके जरूर किते ना किते ओह रोस वेख्या जाएगा कि जदों लंबे समय तो मंग की जा रही सी तां उदों इस वल ध्यान क्यों नहीं दित्या गया। खैर, होर सूबियां दे विच भी ओपीएस लागू होने के जुड़े ऐलान किए जा सकते हैं। हिमाचल दे विच भी जल्द ओपीएस लागू करने की गल आखी जा रही है। पंजाब दे विच ऐलान किया गया कि ओपीएस लागू होवेगी।